સરહદી સુઈગામ ખાતે આવેલ પૌરાણિક શ્રી રાજેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં 4 મહિના અગાઉ રાત્રિના સુમારે કોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ મંદિરના શિવલિંગને તોડફોડ કરી નુકસાન કરી મંદિરમાં પડેલી રોકડ રકમની ઉઠાંતરી કરી ગયો હતો અને વહેલી સવારે મંદિરમાં બનેલી ઘટનાની જાણ ગ્રામજનોને થતાં ગામના લોકો મંદિરમાં ભેગા થયા હતા અને લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો। मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ की घटना घेरा प्रत्याघातों पड़ा था, जेने लई जिला पुलिस वड़ा तरुण कुमार दुग्गल द्वारा जाते स्थल निरीक्षण करवामां आव्युं हतुं। मंदिर चोरी मामले सरहदी रेन्ज आईजी JR मोरथलियाना मार्गदर्शन थी जिला पुलिस वड़ा तरुण दुग्गल की सूचना थी बनासकांठा जिला और आजूबाजू जिला में बनता घरफोड़ चोरी और मंदिर चोरी गुनाओं शोधवा अलग अलग टीमों बनावी थी, जे अंतर्गत इंचार्ज LCB PIHP परमार ने खानगी राहे मळेल बातमी आधार बनासकांठा तेमज आजूबाजू जिलाओं में मंदिर चोरी गुनाओं में अंबाजी नट गैंग संडोवायेल छे। टीम इंचार्ज ने मळेल लीडना आधार अंबाजी PI JB आचार्य तेमज तेमनी टीम द्वारा दांता आरोपी मणकाभाई पूनाभाई सोलंकी ने पकड़ी पालनपुर LCB कचेरीए लावी पूछपरछ करवामां आवी हती। त्यारे जाणवा मळ्युं हतुं के तेओए अने तेनी साथेना अन्य 7 लोकोए भेगा मळीने राजेश्वर महादेव सुईगामना मंदिरमां चोरी तेमज तोड़फोड़ करी होवानी कबूलात करी हती। तेमज पकड़ायेल आरोपीनी वधु पूछपरछ करता ते तथा तेनी साथेना अंबाजी नट गैंगना माणसे मळी बनासकांठा पाटण मेहसाणा गांधीनगर जिल्लाना मंदिरोमांथी चोरी करी होवानी पण कबूलात करी हती। जो कि आरोपीने सुईगाम पोलीस स्टेशने वधु तपास माटे सोंपायो छे। तो वधुमां आ गुनो करवावाळी नट गैंगना मुख्य सूत्रधार भोपाल उर्फे गोपाल नट तथा तेनी जातिना अन्य माणसो अलग अलग जग्याओमां दर्शन करवा जता अने गामथी दूर अने एकांत जग्याए आवेल मंदिरोने खास टार्गेट करता हता। तेमज भीड़भाड़वाळी जग्याए आवेल मंदिरोमां जेमांथी वधु रोकड तेमज मुद्दामाल मळे तेवा मंदिरोमां दिवसे करेल रेकी बाद चोरीओ करता। नट टोळके आ चोरीओ करवा माटे ઇકો ગાડીનો ઉપયોગ કરતા હતા, જેથી ટાર્ગેટ કરેલી જગ્યા પર ચોરીઓ કરી ઇકો ગાડીમાંથી ઝડપથી પોતાના વિસ્તારમાં પરત જતા રહેતા હતા। જો કે હાલમાં એક આરોપી ઝડપાય છે અને અન્ય આરોપીને ઝડપી લેવા અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત કરાઈ છે। 4 મહિના અગાઉ ઐતિહાસિક મંદિરમાં થયેલ ચોરીને લઈ જિલ્લા LCB પોલીસ દ્વારા હાલ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે। 11/7/2021 को रात के समय में सुईगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में राजेश्वर महादेव जी के मंदिर में से चांदी का छत्र चोरी हुआ था, जिससे लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची थी। उस गुनाह की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री तरुण कुमार दुग्गल सर ने खुद उस स्थल की विजिट की थी और उसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी, जिसका कॉमन इंचार्ज LCB PI को रखा गया था। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हकीकत मिली कि अंबाजी का नट गैंग है, उसका मंदिर चोरी में रोल हो सकता है। उसके बाद अंबाजी PI नट गैंग के एक आरोपी को पूछताछ के लिए लेके आए और उस पूछताछ के दरमियान उसने कबूल किया कि उसी के गैंग ने सुईगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में मंदिर में से छत्र चुराया है, और साथ साथ ये भी कबूलियात की कि गांधीनगर मेहसाना और बाकी जिलों में पाटन जैसे जिलों में उन्होंने कुछ डजन जितनी चोरियाँ की हैं। तो ये बनासकांठा पुलिस के लिए बहुत ही सराहनीय काम है और अच्छा डिटेक्शन है। अभी उसकी तपास अभी जारी है और उसके लिए आगे कंफर्म करने के लिए जो वो आरोपी है जिसका अटक किया है उसको सुईगाम पुलिस स्टेशन में अभी लेके आए हैं।